Hi guys, welcome to Studio Cementis. My name is Ketan. And in this video, I'm going to talk about CMAT versus CET. अब बहुत सारे बच्चों की मैसेज आ रही है सुबह से कि सर अब सीमैट में स्कोर मेरा ठीक ठाक सा आ गया है, अब मैं सीईटी के लिए प्रिपेयर करूं या ना करूं। सिंपल सी बात है, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है देन ठीक है, आप थोड़े से रिलैक्स रहो। बट यार एक वर्डिक्ट है मेरी तरफ से, मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक व्यू है। अगर आपको 70, 80, 85, 87 तक अगर आपका परसेंटाइल है सीमैट का, आप सीईटी पक्का ट्राई करो। देयर इज अ रीजन दैट आई एम सेइंग, राइट? मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्ड मैनर में, सो स्टे अराउंड, watch this video till the end. Let's start from 99.99. तो सर अगर आपका 99.99 है, ऑल इंडिया लेवल पे आपको 18 सीटें दी गई है, 18 सीट्स में आपका एडमिशन शॉर्ट शॉट है, यू आर इन जनरल और बजाज, यू कैन पार्टी, देन अंडरस्टैंड, राइट? नाउ एक थोड़ी सी यहाँ पे काइंड ऑफ एक सिचुएशन आ जाती है जहां पे थोड़ा सा एक यू नो अनसिक्योरिटी रहती है कि भाई यू नो वी आर नॉट रियली श्योर कि सीमेंट लेगा कि नहीं लेगा जी भी, बट डेफिनेटली पहले तो नाना बोलते, बाद में ये लोग एक्सेप्ट कर ही लेते। सो 99.99% चांसेस है कि सीमैट जीबी लेगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। बट अगेन यार लास्ट ईयर भी उन लोगों ने बहुत हंगामा करा था, बट लास्ट ईयर सीमैट एक्सेप्ट हुआ ही हुआ, राइट? सो डोंट वरी, लेट्स से पॉजिटिव कि वो हो जाएगा। नाउ अगर आपको लगता है कि यार मुझे सीमैट में 99.99 आया है, मुझे सीईटी में भी 99.99 या फिर 99.98 आ सकता है, यू कैन ट्राई सीईटी ऑल्सो। स्काई इज द लिमिट, कोई आपको रोकेगा नहीं, आप बिंदास कर सकते हो। अब चलते थोड़ा नीचे, लेट्स से 99.94 अगर आपका आता है या फिर आपको 99.93 आता है, तो यार आपको वेलिंगर का एमएमए शॉर्ट शॉट मिलने ही वाला है। अगर आपको लगता है कि यार 99.93 में लेके आया सीमैट में, मैं 99.93-94 में सीईटी में भी लेके आ सकता हूं, तो जहां पे सीमैट के थ्रू वेलिंगर मिलने वाला था तुम्हें अभी, आप सीधा सिग्नम या फिर जमनालाल बजाज को जा सकते हो, अगर उतना आपको सीईटी में आता है तो। इन दैट केस आपको सीईटी देना चाहिए ही चाहिए, फाइन। नाउ अगर आपको लगता है कि सर मुझे सीमेंट में 99.93 आया, 92 आया, जो भी आया, और मुझे लगता है कि सर ये मेरा बेस्ट शॉट था, मेरा सीईटी के मॉक में स्कोर नहीं बन रहा है, मेरा सीमेंट का जो स्कोर है मुझे नहीं लगता ये इससे ज्यादा मुझे सीईटी में मिलेगा, फिर मत दे सीईटी, देन यू डोंट गो फॉर सीईटी, बिकॉज 99.92 पे तेरे को डेफिनेटली वेलिंगर मिल रहा है, एमएमएस तेरा पैसा बचेगा, राइट? प्लस इफ नॉट 99.80 हो आप 99.85, 99.90 हो, यू आर गेटिंग एसआईएस, यू आर गेटिंग दालमिया ऑल्सो, should not be the problem. So you are anyway getting into those colleges via MMS, wherein the fees is also less. And if you think from that perspective, then CET देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। Simple सी बात है। और अगर आगे मेहनत नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत हो गया, बहुत सारे एग्जाम दे भी, अभी पेशेंस भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, और नहीं देना है, then definitely आप you know चले जाओ, simple सी बात है। But let's say अगर आपका परसेंटाइल राउंड अबाउट 90 है या फिर 92, 91 है या फिर let's say 85 तक है, और अगर आप एमएमएस नहीं देख रहे हो, और अगर आप राउंड अबाउट पीजीडीएम के प्रोग्राम्स देख रहे हो, जैसे सीमैट के थ्रू आपका यू नो वेलिंगर भी हो सकता है, बट वेलिंगर सीटी नहीं लेगा, तो लेट्स काइंड ऑफ यू कीप इट असाइड। तो ये वो बच्चे हैं जिनको 70, 80, 85 आया है, अगर आप एसआईएस, दालमिया, आईएएस, लेट्स से चेतनाज, दालमिया, अगर ये कॉलेजेस आप प्रिफर करते हो पीजीडीएम के लिए, फिर आई विल टेल यू कि आप सीटी दो, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट सिंपल सी बात है। अगर आपको 85% अगर सीमैट में आया है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप 90, 95 भी स्कोर ला सकते हो सीईटी में, डेफिनेटली 95 पे आपको दालमिया ऐसा ये चेतना नहीं मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ये जो टॉप 8, टॉप 9 कॉलेजेस होते हैं वो 97.50 पे क्लोज हो जाते हैं। बट अगर मैं पीजी के बारे में बात करूँ, पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में बात करूँ, तो यार अगर मुझे 95% मिलता है, सिंपल सी बात है, 84% लेके मैं दालमिया के जीडीपीआई के लिए बैठता हूँ, और मैं 94, 93% सीईटी लेके मैं दालमिया की जीडीपीआई के लिए बैठता हूं, तो जाहिर सी बात है मेरा जो वेटेज है एंट्रेंस का वो सीईटी में ज्यादा होने वाला है। एंड अगेन कॉलेज को क्या पता कि तुमने सीमेंट दिया कि नहीं दिया, तो जब आप दोगे एग्जाम प्रेफरेंस तब आप सीईटी डाल दो, 94% इज अ ग्रेट परसेंटेज। सो द पॉइंट इज दैट अगर सीमेंट में आपका स्कोर कम है, फिर भी आई वॉन्ट यू गेट्स टू काइंड ऑफ गो फॉर सीईटी, थोड़ा अपना मार्क्स बढ़ाओ ताकि पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए यू गाइस विल बी सॉर्टेड। अब लास्ट ईयर तक वेलिंगर सीईटी लेता था, इस बारी वो नहीं लेगा सीईटी, तो आपको सीमेंट के थ्रू ही चलना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट, राइट? फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका 70, 80, 85, 90 है, देन गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट, यू नेवर नो। एंड अगेन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होने लगा कि सर ये सीजन का मेरा पहला बेस्ट परसेंटाइल है, मेरे को सीमेंट में 92 मिला है, 93 मिला है, मैं कब से देख रहा हूं कि मेरा 90 स्कोर हो, 90 क्रॉस हो किसी एग्जाम में, और फाइनली वो हो गया। सो दैट्स अ गुड न्यूज। अगर ये चीज आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है, तो यार आप सीईटी के लिए बैठो, यू नेवर नो, 92 का 98, 99 भी हो सकता है, राइट? सी दैट्स द होल थिंग नाउ हियर इज दैट
कि अगर आपको लगता है कि हाँ सीमेंट ने अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट करा है, सीटी के लिए जाना है, तो बिंदास चलो। बट अगर आप 85-87 की रेंज में हो, प्लीज सीटी के लिए गिव योर बेस्ट शॉट, गिव 110%, बिकॉज वो ज्यादा आने वाला स्कोर, वो जो डेल्टा होगा ना 87 के ऊपर सीटी में जो भी आया, 94, 95, 96, 97 जो भी आया, सी 97% में सीटी में आपको दालमिया नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर, राइट। बट 97% के लिए अगर आप दालमिया पीजीडीएम जाते हो, यू हैव ब्राइट चांसेस टू कन्वर्ट दैट, राइट। सो लुक एट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, एंड यू स्टिल हैव अराउंड अबाउट 40 डेज इन योर हैंड, यू कैन डू वेरी वेल इन सीटी, राइट। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर कि सीमैट अभी हो गया, अभी सीटी देना है कि नहीं देना है। Again, if you have any doubts, any concern, you can put the comment on the video. I shall answer that. So guys, that's it from my side. Thank you so much for watching this video. Thank you.